बंद करो, बंद करो भ्रष्टाचार। 70,000 एक एक महीने में एक किलोवाट करेल बोले से 5,000 वो 21,000 पेट करके आता है। पिछले महीने जब अगले महीने आते तो 20 दिन में 5,000 उसका बिल। हमारा 15-20 साल पुराना मीटर है, 5,000 तक तो रीडिंग आई है, उसके बाद NF लिख के आ जाता है और बिल आ जाता था, हम जमा करते रहे। अब बोल रहे हैं कि उस 15 साल से रीस्टोर हो गई है, जब रीस्टोर हुई है जब हमारा बिल आता था तो हमारा बिल पूरा आता, हम पूरा जमा करते थे, 500 आता था 500 जमा कर रहे थे, 700 आता 700 जमा करते, 1,000 आता 1,000 जमा करते। कितना बिल है आपका? हमारा है 64,000। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ भाई। पहले आया था 10,555 रुपए, फिर 18 दिन के बाद रीडिंग ली गई तो हो गया जाके 15,605 रुपए, और जब हम संशोधन कराने गए तो वो हो गया 33,123 रुपए, जिसमें कि मतलब धमकी भी दी जा रही है कि अगर बिल नहीं जमा कर रहा हो तो कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके पहले हमारे बिल आते थे 400-500 महीने, और इस बार आया है 18,000 रुपए एक महीने का, तो क्या 500 रुपए का 18,000 दिया जा सकता है? और पुराने सारे बिल हम लोगों के पेड हो चुके थे, इसके बाद भी पुरानी में रीडिंग दोबारा से दी गई है। बिल में 32,000 रुपए है 3 महीने का बिल। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? पहले 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 एक किस्त में 16,000 आया है, एक महीने बाद फिर जस्ट दूना 32,000 हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए? संशोधन होना चाहिए। मांग ये भी है कि अघोषित विद्युत कटौती को बंद कर दिया जाए, और जो रोस्टर के अनुसार जो बनाया गया नियम जिले में कि किस रोस्टर में ग्रामीण को और शहर को किस रोस्टर के अनुसार बिजली मिलनी चाहिए, उस रोस्टर के अनुसार बिजली दी जाए। ये विभाग की लापरवाही है, बहुत वर्षों से एक प्राइवेट कंपनी जम यहाँ पे कब्जा किए हुए, जिसको ठेका है, मेरठ की कंपनी है, साईं कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलती है, जो रीडिंग का काम करती है इस पूरे मंडल पे, वो लगभग 10 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं, एक ही व्यक्ति को ठेका है, वो मनमाना तरीके से रीडर मैनों को रखता है, और वो रीडर मैन अनावश्यक तरीके से बिल को जो है निकालते हैं और वो ग्राहक को देते हैं, और अक्सर जो है ये पाया गया है कि वो रीडर मैन उपभोक्ता से पैसे की भी मांग करते हैं और कहते हैं ये संशोधन करा देंगे। इसका इससे ये प्रतीत होता है कि लगता है कहीं न कहीं ये ठेकेदार और ये विभाग इनकी मिली जुली भगत से कोई काला कारनामा रचा जा रहा है। किसानों के लिए तो 18 घंटे 20 घंटे कहा गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से 10 घंटे बिजली मिल पाती है। 10 घंटे जब आज 5-6 साल से सूखा चल रहा है, सूखा घोषित भी है, सरकार ने सूखा किया, किसान मरने की कगार में है, वो रोटी के लिए और अपने बच्चों को जिलाने के लिए परेशान है, तो बिजली का बिल कैसे भर पाएगा? नहीं भर सकता। बिजली विभाग सब विभागों से ज्यादा भ्रष्ट मुकदमा है। अब ये बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि वो हम बिल कम भेजते रहे हैं, बिल आ गया जब वो मीटर NR लिख के आता था, अगर मीटर खराब था आज वो मीटर कैसे सही हो गया, आज उसमें कैसे रीडिंग? और बिजली किस हिसाब से आती है? बिजली तो यहाँ आती ही नहीं है, रात में 70 बार जाती है, दिन में 70 बार जाती है। हम ये चाहते हैं जो हमारा ये रीस्टोर बता रहे हैं कि रीस्टोर हो गई, जो हमारा बिल आता रहा उस समय 700 आना चाहिए, 500 का ये बिल देते रहे, कह रहे हम कम बिल देते रहे, तो हमने तो इनसे कहा नहीं भाई कम बिल दो, अगर 500 आता था 500 देते थे, 700 आता 700 देते, 1,000 आता 1,000 देते, अब 20 साल का इन्होंने इकट्ठा करके उसको हमको इकट्ठा दे दिया, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? अब क्यों दे, हमको गलती विभाग की है। बिजली विभाग के जो मनमाना तरीके के रवैये से जो बिल जो प्रेषित किए जा रहे हैं, जो बेतरतीब ढंग से हैं, जो नियम संगत नहीं है, जो बिल जो है पेड कर चुका है उपभोक्ता, उसके उसको भी जो है दोबारा पेड करने के लिए विभाग द्वारा बाध्य किया जा रहा है, उसके विरोध में विद्युत विभाग के विरुद्ध हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे भी 1 हफ्ते के अंदर, जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया विभाग द्वारा तो हम बड़ा जन आंदोलन आम जनमानस की सहभागिता के साथ करेंगे। बिजली का भारी मात्रा में बिल आना और दूसरी तरफ बिजली कटौती, इस समस्या को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी का कहना है कि अब कंप्राइज बिल आ रहा है, इसलिए बिल में गड़बड़ी चल रही है, जिसका बिल भारी मात्रा में आया है, जैसे नरैनी के एक व्यक्ति का 11 लाख आया है, उसमें सुधार किया जाएगा, बाकी लोगों के बिलों में भी संशोधन किया जाएगा। वहीं बिजली कटौती को लेकर उनका कहना है कि लेकिन उनको भारी मात्रा में खुद बिजली नहीं मिल पा रही है, कहीं फाल्ट होता है तो कहीं ऊपर से कटौती की जाती है, इसलिए वो खुद परेशान हैं।